हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिकास कुक बुक। आज हम बनाएंगे लच्छा मटरी। लच्छा मटरी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हैं 2 कप मैदा, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन, 1/4 कप मेल्टेड घी मोइन के लिए, और ये हमने 2 चम्मच घी लिया है साटा बनाने के लिए। साथ में थोड़ा सा मैदा लिया है, हम मैदे और घी का साटा बना के लेयर्स बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। साथ में हमें चाहिए होगा पानी आटा गूंदने के लिए। आइए बनाते हैं लच्छा मटरी। लच्छा मटरी बनाने के लिए पहले मैदे को छान लेंगे। मैंने यहाँ 2 कप मैदा छान के रखा है। उसके अंदर मिलाएंगे हम नमक। मैंने ये आधा चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। साथ में मिलाएंगे थोड़ी सी अजवाइन और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे मेल्टेड घी। मोइन डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको दोनों हाथों से इस तरह से स्क्रब करेंगे और ये ब्रेड क्रम्ब जैसी कंसिस्टेंसी के लिए हो जाना चाहिए। हमने मोइन को मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से मुट्ठी बन जानी चाहिए मैदे की, और ये आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है एकदम ब्रेड क्रम्ब जैसी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट आटा लगाएंगे। बहुत सख्त आटा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सॉफ्ट आटा लगाएंगे। हमने सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये आटे का कंसिस्टेंसी एकदम सॉफ्ट है। इसको अब हम 10 मिनट के लिए ढक के रेस्ट के लिए रख देंगे, उसके बाद मठरी बनाएंगे। अब हम मठरी तैयार करने के लिए साटा बनाएंगे। इसके लिए घी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। साटा लगाने से मठरी में जो हम परत देना चाहते हैं वो बहुत अच्छी बनेगी और बहुत ही परतदार खस्ता मठरी बनके तैयार होगी। ये मैंने 2 चम्मच घी में लगभग 2 ही चम्मच मैदा डाल के पेस्ट बना के तैयार कर ली है। ये देखिए, इस तरह की पेस्ट हमको बनानी है। इसको भी रख देते हैं। तेल हम गरम करने के लिए रख दिया है। जब तक तेल गरम होगा तब तक हम अपनी मठरियां बनाकर तैयार कर लेंगे। आटे को हमने रेस्ट दे दिया है। इसको हम फिर से थोड़ा सा मसल कर तैयार कर लेते हैं। अब हम इस आटे के बराबर बराबर 6 लोई बना लेंगे। 1 हमने इस आटे की बराबर बराबर 6 लोइयां बना के तैयार कर ली हैं। चकले पे हम थोड़ा तेल लगा लेते हैं। अब हम इस लोई की एक पतली रोटी बेल लेंगे। हमने एक पतली रोटी बेल के तैयार कर ली है। इस रोटी की मोटाई हम उतनी ही रखेंगे जितना हम अपनी
चपाती की मोटाई रखते हैं। इस तरह से हम दो और रोटियां इसी साइज की बेल के तैयार कर लेंगे। हमने मैदे की रोटियां बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर ये साटा वाली पेस्ट लगाएंगे। पूरी चपाती पे ये अच्छे से फैला देंगे। इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे। एक के ऊपर एक दूसरी रोटी, उसके ऊपर हम फिर ये साटा लगाएंगे। इसके ऊपर हम फिर ये तीसरी रोटी रख देंगे। इसमें फिर हम थोड़ा सा ये पेस्ट लगाएंगे। ये हमारी मटरी के लिए परतें तैयार हैं। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ के धीरे धीरे रोल करेंगे। हल्के हाथ से बराबर रोल बनाएंगे। ये हमारा रोल तैयार हो गया है। अब हम इस रोल को बराबर भागों में काटेंगे। आखिर वाले दोनों पोर्शंस को हम काट के अलग कर देंगे। और इस तरह से पूरा रोल काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसमें ये परतें बन चुकी हैं। अब हम इसको रख के हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे और हल्का सा बेलन लगा लेंगे। हल्का सा फ्लैट कर लिया। इस तरह से हम अपनी सारी मटरी तैयार करके रखते जाएंगे। सभी मटरियाँ बनके तैयार हैं। अब हम इन्हें मध्यम आंच पे करारा सेक लेंगे। कढ़ाई में जितनी मटरियाँ एक बार आ जाएं उतनी हम डाल देंगे और धीरे धीरे उलट पलट करते हुए सेक लेंगे। लच्छा मटरी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और प्लेट में रखी हुई भी बहुत टेस्टी सुंदर लगती है। ये देखिए, एकदम लच्छे इसके जैसे जैसे तल रही है वैसे वैसे इसके लच्छे खुलते जा रहे हैं। इसको धीमी आंच पे सुनहरा होने तक तलेंगे। एक बार की मटरी तलने के लिए कम से कम 5-7 मिनट हमें लग जाते हैं। हमारी लच्छा मटरी सेक के तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर दिख रही है, खाने में भी लाजवाब है। आप इस लच्छा मटरी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो हमारे घर में प्राय उपलब्ध रहता है। त्योहार पे ये बनाइए और सब लोगों की तारीफ आपको मिलेगी। लच्छा मटरी बनके तैयार है। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने मेहमानों को भी खिलाइएगा। इस मटरी को हम कभी भी बना के खा सकते हैं एज अ टी टाइम स्नैक या किसी भी फेस्टिवल पे, त्योहार पे। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोनिकास कुक।